नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है एलिगेशन एंड मिक्सर स्टार्ट करने जा रहा हूं। काफी अच्छा चैप्टर रहता है, काफी गहराई में पढ़ने वाला चैप्टर रहता है, काफी भारी भरकम चैप्टर रहता है, ठीक है, जिसका नाम है एलिगेशन एंड मिक्सर। मैं आपकी खुशी के लिए बता दूं, इसमें एलिगेशन जो होता है ये एक कॉन्सेप्ट होता है, मिक्सर हिंदी में बोलते मिश्रण, ठीक है, इस चैप्टर का नाम एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है। ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट जो कि आपका निकल के आया है, यानी कॉन्सेप्ट ये निकल के आया है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। और एवरेज में भी ये कौन सा एवरेज होता है? वेटेड एवरेज। यानी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो हर चैप्टर के, जितने भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के कुछ सवालों को हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। जहां भी एवरेज की फीलिंग आ रही होती है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल होते हैं जो एलिगेशन से हो रहे होते हैं। इनफैक्ट एवरेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एलिगेशन से सॉल्व हो रहे होते हैं। सीआई एसआई के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एवरेज से सॉल्व हो रहे होते हैं। लेकिन ये यहां क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि मिक्सर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे 60-70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलिगेशन से किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे सिर्फ एलिगेशन से होते हैं, उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एलिगेशन से करना ही हमारे लिए लाभदायक होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो एलिगेशन से भी कर सकते हैं और उसके लिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि मिक्सर आपका रेशियो का ही एक कॉन्सेप्ट होता है, रेशियो से ही निकला हुआ है, तो उसमें रेशियो से जुड़े हुए भी कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन पहले, क्योंकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम एलिगेशन से कर रहे होते हैं, तो एलिगेशन के बारे में कुछ गहराइयां समझते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे बच्चे काफी समस्या का सामना करते हैं, अच्छे से फील नहीं कर पाते। इस चैप्टर की समस्या बच्चों के बीच में, मैक्सिमम बच्चों के बीच में बनी रहती है। मैं यूट्यूब पर भी मैंने वीडियोज देखे हैं, मैंने और भी टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है। वो कुछ स्पेशल काइंड के क्वेश्चन को एक बच्चों के बीच में रटासा देते हैं, बच्चा उस गहराई को नहीं समझ पाता, जिससे बहुत सारे बच्चे इसके क्वेश्चंस को कई बार समझ नहीं पाते कि एलिगेशन कहाँ लगेगा, उन्हें फील ही नहीं आ पाता। और कई बार वो, अगर वो थोड़ा सा भी नया क्वेश्चन आता है, वो इसमें थोड़ा सा उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ कोशिश करूंगा, मैं इसकी गारंटी दूंगा कि आप अगर इसको अच्छे से समझते हैं, पहले वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक आप एक एक चीज समझते हुए जाते हैं, तो शायद मेरी ऐसी पूरी उम्मीद है कि इसको करने के बाद आपको कभी भी एलिगेशन या मिश्रण के, जिससे एलिगेशन से कॉन्सेप्ट जो होता है, आपको कंफ्यूजन शायद नहीं रहेगा और आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं एलिगेशन वाला ही कॉन्सेप्ट करूंगा, इसमें आगे भी और भी चीजें आएंगी और भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बहुत ही फंडामेंटल बातें बताऊंगा, उसके बाद आगे चल के इसमें हम कलाकारी करेंगे, कुछ हम लोग जादूगरी भी करेंगे, कुछ समझदारी भी दिखाएंगे, कुछ चमत्कारी बातें भी करेंगे। लेकिन इनिशियली, प्रारंभ में आपके जानने के लिए मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल की या फंडामेंटल बातें करूंगा, जिससे कि आप इन गहराइयों को समझ सके, ठीक है। तो एलिगेशन की जब भी हम बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया, ये वेटेड एवरेज होता है, यानी ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, एलिगेशन के लिए हमारी जो औकात है, या फिर हम लोग जितना समझ पाते हैं, हमारे एग्जाम में दो ही क्वांटिटी पे हम लोग एलिगेशन सीख रहे होते हैं। इवन दो एलिगेशन तीन क्वांटिटी पे भी लग जाता है, कई बार तीन पे भी करेंगे, बहुत हार्डली केसेस में चार क्वांटिटी पे भी लग सकता है, पांच पे भी लग सकता है, यानी बहुत सारी क्वांटिटी को साथ में लेके लगाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा लेवल होता है, हमारी जो औकात होती है, चैप्टर का जो लेवल है, उसमें हम लोग जनरली 99.99% केसेस में दो ही क्वांटिटी पे एलिगेशन लगा रहे होते हैं। वहीं तक हमारे लेवल में ये बनता है, उसके बाद थोड़ी सी समस्याएं बढ़ने लग जाती, ठीक है। अब समझना सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो, एलिगेशन में क्या होगा, दो क्वांटिटी होंगी, एक क्वांटिटी मैंने पकड़ लिया, मान लो ऐसी यहां होगी, समझना। क्वांटिटी लेट से मैंने अभी इनिशियली रेफरेंस के लिए पकड़ लिया आपका, मान लो मैंने पकड़ लिया यहां पर 20 किलोग्राम, या फिर मैं बोलूं 20 रुपी
पर किलोग्राम की एक सुगर है, ठीक है। दूसरी सुगर लेट्स से 40 किलोग्राम की है। अब इन दोनों सुगर को जब मिलाया जाता है, तो मिश्रण इसमें बनता है। तो इसमें क्या बनता है सर? मिश्रण। मिश्रण को बोलते एवरेज, यही औसत होता है। औसत का होना बहुत जरूरी है, वही एलिगेशन लग रहा होता है। यानी ये 20 रुपए प्रति किलोग्राम की क्वांटिटी है, ये 40 रुपए प्रति किलोग्राम की क्वांटिटी है, 40 रुपए प्रति किलोग्राम की क्वांटिटी है। जब इस मिश्रण को मिलाया जाता है तो लेट से मैं बोलूं आपकी ये क्वांटिटी 25 रुपए पर किलोग्राम की बन जाती है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम की बन जाती है। तो इसमें पहली क्वांटिटी आ रही होगी, दूसरी क्वांटिटी आ रही होगी, और नीचे जो आता है, ये हमारा रेशियो आता है। नीचे क्या आता है सर? रेशियो आता है। किसका रेशियो आता है? यही जानने के लिए, यही जानना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगह पर, कुछ जगह पर तो बच्चों को जब बताया जाता है तो वो आसानी से समझ लेते हैं, या फिर वो थोड़ा रट्सा लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन करूंगा तो नीचे रेशियो इसका आएगा। बट यही एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चे आगे चल के जैसे ही सवाल की भाषा बदलती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती है, क्वेश्चन बदलता है, तो कई बार बच्चे इन सारी चीज के कंफ्यूजन में रहते हैं कि नीचे रेशियो किसका होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस चीज को फील कराऊंगा कि बच्चा कैसे कंफ्यूज हो सकता है, और धीमे 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 जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपकी इस फीलिंग पर पकड़ बढ़ती जाएगी, ठीक है सर? तो यहाँ रेशियो किसका आता है ये मुझे जानना है। तो इस रेशियो पे हमारी थोड़ी सी चर्चा होगी। इसमें अभी हम लोग इस रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ ये चर्चा करेंगे। एक पहली चर्चा हमारी इस रेशियो को जानने में होगी कि नीचे एक्चुअल में रेशियो आता किसका। मैं सिर्फ रुपए पर किलोग्राम पर बात नहीं कर रहा, क्या क्या हालत बदल सकते हैं यहाँ पे, कैसे कैसे यूनिट बदल सकती है, और उन यूनिट के बदलने के हिसाब से नीचे रेशियो कैसे बदलेंगे, नीचे कैसे रेशियो बदलते, ठीक है। दूसरी बात हम ये सीख रहे होते हैं, देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स होते हैं। तो इनमें हो सकता है आपको इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी हो तो ये पूछे, हो सकता है आपको ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो तो नीचे रेशियो पूछे, ठीक है। हो सकता है आपको ये रेशियो दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये पूछे। इनमें से ऐसे ही कुछ पूछ रहा होता तो हमारे लिए पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली है वो ये जानना है कि नीचे रेशियो किसका आता है। उसके बाद वो भी बहुत जरूरी है ये जानना कि यहां वैल्यू जो नहीं दे रखी होती है उसको कैसे निकाला जाता है, रेशियो कैसे निकाला जाता है, अगर और कुछ निकालना है तो वो कैसे निकाला जाता है। बस यहां ये जान लो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूं, इसमें डायगोनली डिफरेंस लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बताया जाता है या बच्चे इसमें याद करने में लगे रहते हैं कि पहले छोटी वैल्यू रखी जाती है या बड़ी वैल्यू। तो बच्चे इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आप चाहे पहले छोटा रख लो चाहे पहले बड़ा रख लो, कोई फर्क नहीं है। इस बात को आपको याद ही नहीं करना, चाहे पहले छोटा रख लो चाहे बड़ा रख लो, हमेशा ये ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में एवरेज आता है, और एवरेज जो होता है सबसे छोटी संख्या से बड़ा और सबसे बड़ी संख्या से छोटा। यानी इसमें जो छोटी संख्या होगी उससे बड़ा होगा, जो बड़ी संख्या होगी उससे छोटा होगा। एवरेज में हमेशा ये होता है, चाहे वो दो क्वांटिटी हो, चाहे वो दो से ज्यादा क्वांटिटी हो, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी का जो औसत होता है सबसे छोटी संख्या से बड़ा होता है और सबसे बड़ी संख्या से छोटा होता है, ठीक है। इसमें डायगनली हम लोग घटा रहे होते हैं, और डायगनली में सीधा बस इतना सा आपको याद करना है कि बड़े से छोटा घटाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। किससे? बड़े से छोटा। इसमें एक इससे बड़ा होगा, एक इससे छोटा होगा, तो बड़े से छोटा घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, डायगनली लिखा जाता है। जैसे 40 में से 25 गए तो कितने बचेंगे सर? 15। 40 में से 25 गए तो सर कितने बचेंगे? 15। 25 में से 20 गए तो कितने बचेंगे? 5। कितना आ गया? 3:1। यहां पे 3:1 आ गया। अब ये किसका रेशियो आया इस पर्टिकुलर केस में? तो मैं बता रहा हूं सर, नीचे जो रेशियो आता है, जो मैं बात कहने जा रहा हूं इससे काफी हद तक चीजें क्लियर होंगी, लेकिन 100% बातें क्लियर नहीं होंगी सर। तो यहां पे ये कहते हम, जब ये बोलते कि नीचे रेशियो आता है कि ये जो क्वांटिटी है किसके रेस्पेक्ट में निकाली गई है, यानी जो 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया। रेस्पेक्ट का मतलब ये है, जैसे मैंने बोला सर, क्या जैसे मैंने बोला यहां लिखा हुआ है आपका 20 रुपए पर किलोग्राम। अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं
तो देखो इसमें जब ये क्वांटिटी लिखी गई है तो नीचे किसकी यूनिट आ रही है, यानी इसकी यूनिट को पकड़ते तो इसमें बटे में यूनिट किसका आ रहा, तो यूनिट क्या आ रहा, किलोग्राम। और ये किलोग्राम यूनिट यहां पे किलोग्राम भी हो सकता था, या ग्राम भी हो सकता था, या ml भी हो सकता था, कोई भी यूनिट हो सकता था जो क्वांटिटी को बता रहा होता, जो भार को बता रहा होता। और ये क्वांटिटी होती, यानी ये यूनिट होती किसकी है, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, वेट की। तो भैया मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, यहां पे मैं सीधा सा बोल सकता हूं कि यहां जो रेशियो आता है वो किसका आएगा, सर वेट का। यानी इस पर्टिकुलर केस में रेशियो किसका आया, वेट का। समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी ये क्या था सर मेरा, ये कॉस्ट प्राइस थे। ये क्या थे सर, कॉस्ट प्राइस थे, 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 40 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम आया तो नीचे किसका आ गया, बेट का, बेट वन बेट टू। कई बार यही भाषा में कई बार ये क्वांटिटी का रेशियो बोल देते। आपने बोला कैसे, आपने बोला कैसे, मैं ये बोल देता, मान लो सर मैं ये बोल देता, मान लो यहां पे मैं ऐसे बोल देता कि भाई मैंने 20 रुपए पर एप्पल के हिसाब से, 20 रुपए पर एप्पल के हिसाब से 5 किलोग्राम एप्पल खरीदे, 20 रुपए पर एप्पल के हिसाब से 5 किलोग्राम एप्पल खरीदे, समझने की कोशिश करना। और 40 रुपए पर एप्पल के हिसाब से, 40 रुपए पर एप्पल के हिसाब से मैंने कुछ भी किलोग्राम एप्पल खरीदे, तो सर नीचे रेशियो कितने का आएगा। तो मैंने बोला यहां पर कैसे आ रहा है, रुपए पर एप्पल, तो किसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, एप्पल के रेस्पेक्ट में। तो एप्पल क्या क्वांटिटी, तो कई बार ये वेट जो होता है, देखो वेट किलोग्राम में भी हो सकता है। कई बार लोग देखो, आप जब केला खरीदने जा रहे होते हो तो केला एक तो खरीदते हो आप किलोग्राम के हिसाब से कि भैया मैंने कितने खरीद लिए, 40 रुपए प्रति किलोग्राम के केले खरीद लिए। कई बार ऐसे भी तो बोल देता भैया 40 रुपए दर्जन के हिसाब से केले खरीद लिए, तो जो दर्जन बन जाता है तो फिर वही जो वेट है वो किसमें बदल जाता है, क्वांटिटी में, यानी मात्रा में। यानी फिर मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने 50 किलोग्राम केले खरीदे, मैं बोलूंगा मैंने 100 केले खरीदे, मैं बोलूंगा मैंने 70 केले खरीदे, मैं बोलूंगा मैंने 3 दर्जन केले खरीदे, मैं बोलूंगा मैंने 4 दर्जन केले खरीदे। यानी यही जो वेट है फिर किसमें बदल जाता है सर, क्वांटिटी के रेशियो बदल जाता है। किसमें बदल जाता है सर, क्वांटिटी के रेशियो बदल जाता है। यानी मैंने बोला कि 20 रुपए पर एप्पल के हिसाब से, मान लो मैंने इधर 20 रुपए पर एप्पल के हिसाब से कुछ एप्पल खरीदे, 40 रुपए पर एप्पल के हिसाब से कुछ एप्पल खरीदे, दोनों को मिक्स किया और मिश्रण की जो कॉस्ट आई वो 25 रुपए पर एप्पल के हिसाब से आई। यानी मिश्रण की जो कॉस्ट आई 25 रुपए पर एप्पल के हिसाब से आई, तो नीचे रेशियो किसका आया, क्वांटिटी का। यानी इसके कितने एप्पल मिलाए, इसके कितने एप्पल मिलाए। तो यहां से मेरा जो निचोड़ निकल के आया, इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरा निचोड़ निकल के आया, जो आपके लिए सीखने वाली बात है कि ऊपर अगर मेरा क्या दे रखा हो, यानी ऊपर वाले बॉक्स में क्वांटिटी अगर मेरे कॉस्ट प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस 2 दे रखे हो, इनफैक्ट मैं जब क्वेश्चंस करूंगा तो इससे आपकी और क्लैरिटी बनेगी। कॉस्ट प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस 2 दे रखा हो, यहां हमारा कॉस्ट प्राइस एवरेज में दे रखा हो, तो नीचे जो रेशियो आएगा वो या तो वेट का आएगा, वेट मतलब किलोग्राम किलोग्राम, या फिर आपका क्वांटिटी का आएगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, आपने कैसे यूनिट लिए। यानी आपने अगर रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से लिया है तो यहां आपका वेट का रेशियो आ जाएगा कि 50 किलोग्राम इसका लिया, 40 किलोग्राम इसका लिया, किसी का भी लिया, अभी मैं बताता हूं। और अगर मान लो रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से लिया, पर एप्पल के हिसाब से लिया, पर केले के हिसाब से लिया है, कोई भी हो सकता है, पर गाय के हिसाब से लिया, जैसे भी, ठीक है, तो नीचे रेशियो किसका आएगा, क्वांटिटी का। यहां कुछ क्वेश्चन रखता हूं, इसका थोड़ा रेफरेंस के लिए थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। इसके अलावा और क्या होगा, समझना सर मेरी बात। जैसे मैंने यहां कॉस्ट प्राइस की बात करी, समझना, जैसे मैंने यहां कॉस्ट प्राइस की बात करी, मैं सेलिंग प्राइस की भी तो बात कर सकता था सर, मैं सेलिंग प्राइस की भी तो बात कर सकता था, जैसे कॉस्ट प्राइस है वैसे ही सेलिंग प्राइस है। समझना, मैं बोलता हूं मैंने 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से सेब खरीदे, फिर मैं बोल देता हूं 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से मैंने सेब बेचे, खरीदे तब भी मेरा पर किलोग्राम था, बेचे तब भी मेरा पर किलोग्राम था। तो जो काम कॉस्ट प्राइजों को लेने पर हो रहा है वही काम सेलिंग प्राइजों को लेने पर होगा। मैं बात करूं अगर मार्केट प्राइस होता, मैं ये बोलूं कि मैंने अपने कुछ एप्पल को मार्केट प्राइस में साथ में ले सकता हूं, इसका मार्केट प्राइस ले लिया, इसका मार्केट प्राइस ले लिया, मिश्रण ले लिया, उसका मार्केट प्राइस ले लिया, तब भी वही बात पड़ेगी, तब भी मेरी वही बात पड़ेगी। यानी चाहे ये इवन दो मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉस्ट प्राइस ही आ रहा होता है, सेलिंग प्राइस हार्डली आता है, लेकिन हमें जानना है कि सेलिंग प्राइस के लिए भी बात
वही बन रही होगी, सेलिंग प्राइस के लिए बात भी वही बन रही होगी। समझ पा रहे हो? अब जैसे मैंने थोड़ा सा रेफरेंस के लिए आपके लिए क्वेश्चन उठाया, मैंने मान लो ऐसे बोला, कैसे बोला सर, मैंने ये बोला कि सर मैं 100 रुपए पर किलोग्राम, 100 रुपए पर किलोग्राम के एक प्रकार के चावल पकड़े मैंने, ठीक है, 150 रुपए पर किलोग्राम के दूसरे प्रकार के चावल खरीदे, 100 रुपए पर किलोग्राम के एक प्रकार के चावल पकड़े, 150 रुपए पर किलोग्राम के दूसरे प्रकार के चावल पकड़े, दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो मेरा मिक्सर जो आया, मेरा जो मिक्सर आया वो 130 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से आया, यानी मिक्सर की जो कॉस्ट पड़ी वो 130 रुपए पर किलोग्राम की पड़ी। तो ये बताओ कि दोनों प्रकार के चावल, दोनों प्रकार की मात्रा मैंने किस अनुपात में मिलाई? तो आप ऐसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ के कैसे घटाओगे, बड़े से छोटा और डायगनली घटाते, 150 में से 30 गए तो सर कितना बचेगा, 20 बचेगा, 130 में से 100 गए, 130 में से 100 गए तो सर कितना बचेगा, 30 बचेगा, 0 भगा दो कितना आ गया सर मेरा, कितना आ गया, 2:3, यहां से क्या निकल गया, देखो करते डायगनली है लेकिन ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये इसको करेंगे डायगनली ही लेकिन वैल्यू रिप्रेजेंट किसको कर रही होती है, सीधी सीधी, ये इसको, ये इसको, आई ऐसे है इसकी, आई ऐसे है इसकी, आई ऐसे है इसकी, ठीक है सर। इससे क्या पता लगा कि सर अगर इसका मैंने 2 किलोग्राम लिया होगा तो इसका 3 किलोग्राम लिया होगा, अगर इसका मैंने 20 किलोग्राम लिया होगा तो इसका 30 किलोग्राम लिया होगा, अगर इसका 4 किलोग्राम लिया होगा तो इसका 6 किलोग्राम लिया होगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट बात जो समझने की रहती है इनमें, वैसे तो अभी हम रेशियो समझ रहे हैं नीचे कैसे कैसे बदलते, कई बार हो सकता है ये दे रखा हो, ये पूछे, उसकी भी चर्चा होगी आगे चल के, ठीक है। इसी को मान लो मैं ऐसे कर देता, इसी को मान लो मैं ऐसे कर देता, कैसे मैं ऐसे करता सर, कि एक व्यक्ति ने, आपने देखा होगा अपनी मार्केट में लोग क्या करते हैं कि 2 अलग अलग रेट के एप्पल लेके आए दुकानदार, खासकर ठेले वाले करते हैं, 2 अलग अलग रेट के, एक अच्छी क्वालिटी का एक घटिया क्वालिटी का, दोनों को मिला दिया, कुछ उसमें 4-5 अच्छी क्वालिटी के होंगे, अगर मान लो आपने 1 kg खरीदा तो हो सकता है 2-3 अच्छी क्वांटिटी को और 1-2 गंदी क्वांटिटी का डाल दिया। तो कई बार कहते हैं कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है, तो उसमें क्या होता है, अच्छी चीज के साथ खराब चीज भी निकल जाती है, ठीक है सर मेरी बात। तो खासकर ये तुम्हारे दुकानदार होते हैं मार्केट में, वो ऐसा बहुत करते हैं, आप ऊपर देखोगे तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा लेकिन अंदर घुसोगे तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी जो होती है हल्की सी डिक्रीज होती है, ठीक है, ऐसा वो लोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा सर, देखना मैं आपसे ये कहूं कि एक दुकानदार, एक फेरी वाला, एक ठेले वाला 80 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, 80 रुपए पर दर्जन के हिसाब से कुछ केले लाया, ठीक है, 80 रुपए पर दर्जन के हिसाब से कुछ केले लाया और 60 रुपए पर दर्जन के हिसाब से कुछ केले लाया। अब देखो इसमें इस बात की टेंशन नहीं कि पहले बड़ा है पहले छोटा, कोई भी पहले रख लो, हमें ये मालूम है एवरेज आएगा वो छोटा आएगा। और ये कहा कि जब इनको मिलाया गया तो मिश्रण 75 रुपए पर दर्जन का बन गया, यानी मिश्रण जो बना 75 रुपए पर दर्जन का बन गया। तो ये कह रहे ज्ञात करो उसने दोनों प्रकार के केले किस अनुपात में मिलाए, दोनों प्रकार के केले किस अनुपात में मिलाए। तो कैसे सर, छोटे से बड़े से छोटा घटाना, तो 80 में से 75 गया सर तो कितना आ जाएगा सर, 5, और 75 में से 60 गया तो 15। बड़ी खुशी की बात है, यहां रेशियो मेरा कितना आ गया सर, 3:1 आ गया। अब देखो 3:1 में ये नहीं बोल सकता ये 3 किलोग्राम लिया होगा और ये 1 किलोग्राम, नहीं सर, यहां पे क्या आएगा, वेट नहीं आएगा, यहां क्या आएगी सर, क्वांटिटी आएगी। क्या बोलोगे कि अगर यहां पर 3 दर्जन लिए हैं तो यहां 1 दर्जन लिया होगा, ये भी आप बोल सकते हो, अगर यहां 3 केले लिए हैं तो यहां 1 केला लिया गया होगा, या 30 दर्जन लिए हैं तो यहां 10 दर्जन लिए गए होंगे, या 30 केले लिए हैं तो 10 केले लिए गए होंगे, आप ये नहीं कह सकते कि दर्जन में भी होगा, ये क्वांटिटी होगी,
ये मात्रा होगी, ये जरूर नहीं है, ये दर्जन बना रहेगा। अब जैसे बोले ठीक है, क्वांटिटी रहेगी नीचे। आप बोलोगे 30 केले तो 10 केले, 30 दर्जन 10 दर्जन। तो ये छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी होता है, ना तो बच्चे छोटी सी बात को उसको गहराई नहीं होती, या तो वो पेपर में गलती कर जाता है, ना तो रटा रटा आ गया तो ठीक है, ना तो वो छोड़ ही देता। ठीक है सर, समझ पा रहे हो? तो यहां सबसे पहले तो ये आया कि अगर ऊपर मेरे कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है, यानी ऊपर जो क्वांटिटी है वो कॉस्ट प्राइस दे रखे, तो नीचे जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा सर? वेट का आएगा, वेट का या क्वांटिटी का। समझे सर? इसी की अगली एक जो बात आती है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जरूरी बात है, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है। ठीक है, इस पर मैं कुछ क्वेश्चन भी रखूंगा, वैसे तो क्वेश्चन सब पे ही रखे जाएंगे आगे चल के, लेकिन इनको समझाने के लिए किसमें ज्यादा बच्चा परेशान रहता है तो उसको मैं ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं इनिशियली। ठीक है, उसके बाद धीमे धीमे हम क्वेश्चंस रखेंगे तो बहुत वैरायटी बनेगी। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस। मान लो मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट की, बात कर रहा हूं लॉस की। मैंने आपसे ये बोला कि अगर मैं बोलता हूं कि प्रॉफिट बन कैसे, मान लो मैं बोलूं कि भैया 20% का लाभ है, कैसे? मैं ये बोलता हूं कि एक दुकानदार ने ठीक है कुछ वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची, और दूसरी वस्तुएं जो उसने बेची, मैं हानि भी बोल सकता हूं, हानि में माइनस हो जाता है उसकी भी चर्चा होगी, या प्रॉफिट प्लस होता है तो लॉस माइनस हो जाता है। 20% के लाभ पर बेचा, दूसरी धनराशि 30% के लाभ पर बेचा, कुछ भी रहा होगा उसकी भी बात होगी। ठीक, 30% के लाभ पर बेचा, 30% के लाभ पर बेचा। और ये कहा कि जब पूरे ट्रांजेक्शन की बात की गई, पूरे सौदे की बात की गई, कौन सा सौदा? ये प्लस ये, तो उसे मैं ये बोलूंगा अगर उसे पूरे सौदे में, 24% का लाभ हुआ हो, उसे पूरे सौदे में 24% का लाभ हुआ हो, तो पूछेंगे भाई यहां बताओ क्या आएगा। मैं बोलूं यहां क्या आएगा, अब देखना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। 24% को तो यहां लिख दो 24%, लेकिन एक्चुअल में ये बॉक्स किसका है? प्रॉफिट फर्स्ट पर्सन, पहला फर्स्ट प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट यहां क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट। कौन सा सर प्रॉफिट? प्रॉफिट एवरेज वाला, औसत लाभ, यानी पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ। हमेशा औसत ही नहीं बोलता, पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ, यानी उसका औसत लाभ कितना। समझ पा रहे मेरी बात? अब समझना, मुझे बताओ सर, जो प्रॉफिट निकलता है, मैं प्रॉफिट की जब बात कर रहा होता हूं, वो ये बोला कि सर 20% का लाभ हुआ, तो 20% किस पे निकाला जाता है? आप ये जानते हो कि लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। आपने बोला सर हम नहीं जानते, तो मैं बोलूंगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो ये चर्चाएं खूब होती हैं। अभी मान लो कि कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, एक बच्चा बोला सर हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, मैं बोलूंगा हाँ। फिर एक बच्चा पूछेगा कि हमेशा निकाला जाता है, मैंने बोला देखो कुछ नहीं बोले तो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, यानी जो पॉपुलरली जो बात है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, लेकिन कई बार लोग सेलिंग प्राइस पे भी निकलवा लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सर सेलिंग प्राइस पे लाभ निकाल ले, उसको मार्जिन नाम भी दिया जाता है, तो वो अपनी चॉइस है। वो जिस पे बोल दे वो बोले नहीं सर हमारे मार्क प्राइस पे निकालो, नहीं सर हमारे सर पे निकालो, तो सवाल जैसे बोल दो वही निकाल देते। लेकिन जनरली किस पर निकाला जाता है? सर कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस। तो मैंने बोला किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस। वैसे भी मैं बोलूंगा 20%, तो भाई 1/5 भी जो होता है तो ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूले के हिसाब से भी नीचे क्या आ रहा होता है? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि हम ये बोलते हैं जब प्रॉफिट परसेंट निकालने जाते हैं तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू का 100, तभी तो ये आया होता है। तो किसके रेस्पेक्ट में? जो नीचे आता है यूनिट के हिसाब से, जो नीचे आता है, तो नीचे क्या आ रहा है? कॉस्ट प्राइस। अब देखना, मैंने बोला इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। पर मैं थोड़ा रुका, कॉस्ट प्राइस कौन सा वाला? कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का आएगा या पूरी क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस आएगा? आपने बोला सर ये क्या कंफ्यूजन है? मैंने बोला मैं ये बोलूं कि भैया ये है मेरा 20% का लाभ हुआ किसी चीज को बेचने पर। मैं बोलूं मान लो 20% का लाभ मेरा हुआ 40 किताबों को बेचने पर, यहां 50 किताबों को बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो नीचे जो रेशियो आएगा क्या एक किताब का आएगा? नीचे जो रेशियो आएगा पर किताब का कॉस्ट प्राइस आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा? मैं बोलूंगा बच्चे यही समझ लेना, टोटल कॉस्ट प्राइस।
टोटल कॉस्ट प्राइस आता है, यानी फिर मैं बोलूँ टोटल कॉस्ट, यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लोग यहाँ सिर्फ कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, उससे समस्या बढ़ जाती है। मैं अभी सवाल रखूंगा तब आपको रियलाइज होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं सर। जब मुझे 20% का लाभ हुआ तो इस पूरे सौदे में हुआ, पूरा सौदा कितनी 40 किताबें हैं, इसका मतलब 40 की 40 चीजों में हुआ, तो टोटल कॉस्ट आता है। नीचे सर रेशियो किसका आएगा, सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं बोल सकता, टोटल कॉस्ट बन, टोटल समझना सर, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट बोल दिया, कॉस्ट प्राइस वन अनुपात टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट टू, ये जानना सर। ये बनी किससे है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है हर वस्तु का कॉस्ट प्राइस इनटू कितनी वस्तुएं हैं, तो क्वांटिटी वन, भार है तो कितना किलोग्राम, मैं बोलू 500 किलोग्राम चीनी थी यहां 700 किलोग्राम चीनी थी, तो यहां 500 किलोग्राम है, तो कॉस्ट प्राइस बेट वन भी बोल सकता था, कॉस्ट प्राइस बेट वन। अगर मैं समझना क्वांटिटी में और बेट में कंफ्यूज मत हुआ करना, बेट हमेशा जनरली हम किलोग्राम में बोल रहे होते हैं, क्वांटिटी हमेशा 1, 2, 3, 4 में होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी और बेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। बाकी क्वांटिटी और बेट एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, समझना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बेट लिख दू या कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी, बेट का मतलब होता है किलोग्राम में, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा में। कैसे, बेट मतलब 50 किलोग्राम 70 किलोग्राम, क्वांटिटी मतलब 40 किताबें 50 किताबें, 40 भैंसियां 50 भैंसियां, 40 गाय 50 गाय, बेट 50 किलोग्राम चीनी 100 किलोग्राम चीनी, तो बेट क्वांटिटी। तो मैंने बोला टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्रत्येक वस्तु का कितनी वस्तु अनुपात, कॉस्ट प्राइस टू, और कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी टू, समझना सर। यहां टोटल कॉस्ट आती है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं आता। हाँ ये हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आगे चल के ऐसी कंडीशन बनेगी कि कॉस्ट प्राइस वन बराबर कॉस्ट प्राइस टू हो, इसमें घटनाएं दो होती हैं सर। कैसे होती हैं, ऐसे सवाल बनेंगे आपके। घटना नंबर एक ये होगी, केस नंबर एक ये होगा कि हो सकता है कॉस्ट प्राइस वन बराबर कॉस्ट प्राइस टू हो। आपने बोला ऐसा कैसे हो जाएगा सर, मैंने बोला ऐसे हो जाएगा। मान लो एक आपका चीनी का ढेर है, मान लो एक आपका चीनी का ढेर है, और उस चीनी के ढेर में कुछ मात्रा 20% के लाभ पर बेच दी, कुछ मात्रा 30% के लाभ पर बेच दी, तो उस चीनी के ढेर में अब आप चाहे ऊपर की एक किलो चीनी उठा लो, चाहे पूरा हाथ डाल के अंदर की चीनी उठा लो, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो समान होगा। आपने बोला नहीं सर ऊपर बड़ी चीनी आ जाएगी नीचे छोटी चीनी, ऐसा हम मान के नहीं चलते, ऐसा नहीं मान के चलते। जैसे दूध में लोग बोलते हैं पानी नीचे बैठ जाए तो ऊपर दूध आ जाता है, ऐसा मान के नहीं चलते। अगर दूध की पूरी टंकी है तो चाहे ऊपर से दूध निकालो चाहे अंदर हाथ डाल के दूध निकालो, कॉस्ट प्राइस समान होता है। तो कई बार ऐसे हालात बन रहे होते हैं कि कॉस्ट प्राइस समान होता है कि उसी ढेर में से यहां 20% पे बेचा, उसी ढेर में से 30% पे बेचा, तो उस समस्या में क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस समान होते हैं। तो उस पर्टिकुलर कोर्स में कॉस्ट प्राइस समान होने की वजह से जब ये समान हो गया तो कट जाएगा, तो रेशियो किसका आ जाता है सर, क्वांटिटीज का रेशियो आ जाता है या फिर बेट का रेशियो आ जाता है। तो घटना नंबर एक क्या होगी, अगर कॉस्ट प्राइस समान है तो यही चीज किससे बदल जाती है, क्वांटिटी के रेशियो में। अभी सवाल रखूंगा, इस पर टेंशन मत लेना, ये बहुत ही गहरी बात है। देखो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, इनफैक्ट जो बच्चे मुझे ऑफलाइन में पढ़ते हैं जानते हैं कि जितना अच्छे चैप्टर आते हैं मेरी एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाती है और मैं उतना ही गहराई में चला जाता हूं। वो चैप्टर आसान होते हैं, जैसे मैंने अभी एजिस का कोई चैप्टर रखा, रेशियो का चैप्टर रखा, उसमें कुछ चीजें अच्छी आती तो उनमें मैं उतना ज्यादा मजा नहीं देता, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा ज्यादा घुसने का होता ही नहीं है, ऊपर जितना भी हमने किया उसी से काम हो जाता है, बाकी तो हम बहुत कुछ करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। हैवी मतलब चैप्टर आ जाता है तो मजा आता है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, तो जितने हैवी चैप्टर होते हैं उसमें उतना ही गहराई में जाना पड़ता है, नहीं तो चैप्टर खराब हो जाते हैं। आसान चैप्टर में तो कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही करा दिया, हल्का सा ऊपर से बता दिया, बच्चे का काम चल गया। तो ये चैप्टर देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन हाँ इसकी गहराई को समझने से काफी कुछ आसान हो जाता है, काफी वैल्यू है इस चैप्टर की। चाहे बेसक हो सकता है उसका कंपेरेटिवली वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, चार छह क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जिनको इज्जत देनी चाहिए। जब आप डिफिकल्ट चीजें अच्छे से कर लेते हो ना तो आसान चीजें और आसान लगने लग जाती। तो मैंने बोला घटना नंबर एक थी जब कॉस्ट प्राइस समान, मान लो घटना नंबर टू ऐसा हो जाए कि आपके वेट समान हो जाए, या फिर मैं बोलूं क्वांटिटी समान हो जाए, क्वांटिटी समान हो जाए। आपने बोला कैसे क्वांटिटी समान हो जाएंगी, वैसे तो ये टोटल कॉस्ट थी, क्वांटिटी ऐसे समान हो जाएगी। एक आदमी ये बोलता है कि एक व्यक्ति के पास दो घोड़े थे, एक घोड़े को उसने 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे घोड़े को 30% के लाभ पर बेचा, तो दोनों घोड़े तो एक ही एक है, एक इधर एक ही है, ठीक है। एक आदमी ये भी बोल सकता है एक व्यक्ति ने के पास दो गाय थी या दो रेडियो थे,
कुछ भी था, दो गाय थी, एक गाय को 20% के लाभ पर बेचा, हो सकता है एक को 17% की हानि बोल दे, 18% की हानि बोल दे, तो इसमें क्या समान हो गया सर? मात्रा समान होगी, क्वांटिटी समान होगी। आपको ऐसे बोल सकता था कि एक व्यक्ति के पास चीनी का एक बोरा था, उसने आधा बोरा 20% के लाभ पर बेचा और आधा बोरा 30% के लाभ पर बेचा, तो क्या समान हो गया सर? वेट समान हो गए, क्वांटिटी समान होगी। उस अवस्था में क्या होगा? यही चीजें किसमें बदल जाएंगी सर? यही चीजें किसमें बदल जाएंगी? क्वांटिटी तो समान होगी, तो कॉस्ट प्राइस वन अनुपात कॉस्ट प्राइस टू। इवन दो अगर बोरा की बात की जाएगी तो क्वांटिटी समान होगी, बोरा भी समान होगी, तो मजा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने गाय में बात करी, तो अब इसमें किसका रेशियो आ जाएगा? गाय का कितना कॉस्ट प्राइस था और घोड़े का कितना कॉस्ट प्राइस था, या फिर दोनों गायों के कॉस्ट प्राइसों का अनुपात क्या था? कब? जब क्वांटिटी समान हो। तो मैंने क्या बोला, इतना ही समझ लो इसमें, कि अगर मेरी कॉस्ट प्राइस समान है तो यहां वेट का रेशियो हो जाता है, क्वांटिटी का रेशियो हो जाता है, लेकिन अगर क्वांटिटी समान है तो कॉस्ट प्राइसों का रेशियो आ जाता है। बाकी तो अभी हम, मैं क्वेश्चन रखने जा रहा हूं कुछ आपके सामने, इसमें थोड़ा हैवी क्वेश्चन बन जाता है, हल्का सा, तो शुरू में हल्का सा हैवी क्वेश्चन रखा जा रहा है, लेकिन घबराना मत, हम, मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, फिर धीमे धीमे इस चैप्टर को हम काफी वैल्यू देंगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और हर चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर इसमें मिक्स हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी सवाल इसमें पड़े होंगे, परसेंटेज के भी क्वेश्चन इसमें पड़े होंगे, इस चैप्टर में ही आपको देखने को मिलेंगे, आपको फ्लेवर आएगा, रेशियो के क्वेश्चन भी पड़े होंगे, मिश्रण के तो होते ही है, एवरेज के भी पड़े होंगे। ठीक है, अब देखो मैंने पहला क्वेश्चन रखा इसी का, इस कॉन्सेप्ट के लिए, किसके लिए? प्रॉफिट वाले के लिए, प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता था। सवाल क्या कह रहा है सर? सवाल ये कह रहा है, अ मैन सोल्ड, समझना क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10 गाय और 20 घोड़े, एक व्यक्ति 10 गाय और 20 घोड़े बेचता, कैसे सर? वो गाय को 20% के लाभ पर बेचता, गाय को 20% के लाभ पर बेचता है, यहां काव लिख लिया, वैसे तो आपको याद रहना चाहिए, इतनी बातें दिमाग में स्टोर होनी चाहिए, फिर भी मैंने आपकी खुशी के लिए लिख दिया, और घोड़े को, घोड़ों को, गाय 10 है घोड़े 20 है, घोड़ों को 27% के लाभ पर बेचता है, और घोड़ों को 27% के लाभ पर बेचता है, और क्या कह रहा सर? कि यदि उसे पूरे सौदे में, यदि उसे होल ट्रांजेक्शन में, यदि उसे पूरे सौदे में 24% का लाभ हो, यदि उसे पूरे सौदे में 24% का लाभ हो, और आगे क्या कह रहा है, और आगे क्या कह रहा है, यदि उसे पूरे सौदे में 24% का लाभ हो, और ये कह रहा है यदि उसने 10 गाय और 20 घोड़े यानी सभी को मिला के 7,00,000 रुपए खर्च किए हो, यानी टोटल उसको जो कॉस्ट पड़ी थी, टोटल उसे जो कॉस्ट पड़ी थी वो कितने की पड़ी थी सर? 7,00,000 रुपए, यानी उसको जो कॉस्ट थी, उसने जो खरीदा था वो 7,00,000 रुपए खर्च किए थे, किस पे? 10 गाय और 20 घोड़ों पर। तो ये कह रहे क्या कह रहे, ये कह रहे, ये बताओ कि प्रत्येक गाय और प्रत्येक घोड़े की कीमत कितनी है, प्रत्येक गाय प्रत्येक घोड़े की कीमत। अब देखना, आपने एलिगेशन लगाया, 24 में से 20 घटाया तो 4 आया सर, आप बोलेंगे हाँ जी से आया, 27 में से 24 घटाया तो सर कितना आया? 3 आया। अब मुझे बताओ बच्चा क्या करता है जोश जोश में, 3:4 पकड़ा, 4 और 3 7 से भाग दिया और 3 का गुणा कर देगा तो 3,00,000 बोल देगा, तो भाई एक गाय 3,00,000 रुपए की है, ए? या फिर क्या बोल देगा, 4 का गुणा कर देगा तो 4,00,000 की एक गाय। नहीं सर ऐसा नहीं है, नहीं सर, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे यहाँ तो टोटल कॉस्ट आती है, यानी सर जैसे ये 3 रेशियो आया तो कितना आया सर? 3,00,000 रुपए और 4,00,000 रुपए, तो ये 3,00,000 कितनी गाय का आया? 10 गाय का आया। 3,00,000 कितनी गाय का आया सर? 10,00,000 का आया। और भी आगे कंफ्यूजन होगा, यहाँ तो बच्चा समझ रहा होगा कि 10 गाय बोला है तो सर एक का कैसे निकलेगा, ठीक है 10 गाय का आया, 10 गाय का आया, ठीक है सर, तो ये रेशियो हमारा कितने का आ गया? 10 गाय का, तो एक गाय कितने की होगी? तो देखो 3,00,000 में 1,0 कम करूंगा तो कितने की होगी सर? 30,000 की होगी। और एक घोड़ा कितने का हो गया? 40,000 का हो गया। कितने का हो गया सर? 40,000 का, यानी गाय 30,000 की है और घोड़ा कितने का है सर? 40,000 का। गाय 30,000 की है और घोड़ा कितने का है सर? 40,000 का, ठीक है सर, नहीं माफ करना, गाय कितने की? 30,000 की, घोड़ा तो 20 है ना सर, घोड़े कितने हैं? 20, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई 4,00,000 divided by 20, तो 20 से इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा?
20 के, यानी 20,000, यानी घोड़ा 20,000 का, गाय 30,000 की, घोड़ा 20,000 का, गाय 30,000 की। समझ पा रहे हो सर? तो यहां पे ध्यान रखना, यहां नीचे सीधा कॉस्ट प्राइस नहीं आ जाते, यानी कॉस्ट तो आती है लेकिन किसकी आती है, सारी की सारी क्वांटिटी की। यहां बराबर होती तो सीधा सा पर किलोग्राम हो जाता है, यानी 20 ही घोड़े होते, 20 ही गाय होती तो बात बन जाती। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो सर मेरी बात? आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही रख दिया, जे कह रहे भैया एक, अब मान लो ऐसे मैंने एक सवाल रख दिया थोड़ा सा घुमा के, जे कह रहा है एक डीलर 10 गाय और 20 घोड़े 3.5 लाख रुपए में खरीदे। एक व्यक्ति ने, सॉरी मैं माफ करना, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हाँ, जे कह रहे हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 10 गाय और 20 घोड़े 3.5 लाख रुपए में बेचे। तो 3.5 लाख है सिर्फ कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट नहीं है ये, ये सेलिंग प्राइस है कि टोटल कितने में बेचा, 3.5 लाख रुपए में बेचे, और क्या कह रहा है सर, उसे 20% का लाभ हुआ, किस पे, 10 गाय पे, और 27% का, यही वाली बात मैंने रखी है, थोड़ा सा चेंज किया, 27% का लाभ हुआ किस पे, 20 घोड़ों पर, और पूरे सौदे में जो उसे लाभ हुआ है वो सर कितने का हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो ये कह रहे, ज्ञात करो, ज्ञात करो, वही वाली बात ज्ञात करने की, प्रत्येक गाय कितने की है, प्रत्येक घोड़ा कितने का। तो सबसे पहले तो मैंने रेशियो सर निकाला, तो 25 में से 20 गए तो 5 बचते हैं सर, और 27 में से 25 गए तो 2 बचते हैं, तो मेरा रेशियो कितने का आ गया सर, 2 का। तो सारी गांव की कीमत अगर 2 रेशियो है तो सारे घोड़ों की कीमत कितनी होगी, 5 रेशियो, 5 और 2 कितना होता है, 7। तो जोश जोश में ऐसा मत कर जाना कि 3.5 बटे में 7 कर दिया तो इनकी वैल्यू आ गई, समझना, तो 7 × 35 आप बोलोगे 50 के लेके 2 का गुणा कर दो तो 10 से भाग दे दो, खाम खराब हो जाएगा सर, ऐसा नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे सर, आप ऐसा नहीं करोगे कि 7 रेशियो से, इसमें 7 लाख है तो 7 से भाग दिया, समझना तो 2 कर लिया, तो 35 × 70 तो ये 1 लाख ये आ गया। और आप बोलोगे सर 35 × 5 मतलब 7 से काट दो, 7 × 35 = 25, 2.5 लाख ये आ गया, और फिर इसमें 10 से भाग दे दो, इसमें 20 से भाग, ऐसा नहीं। क्यों नहीं सर, क्योंकि ये तो मेरा सेलिंग प्राइस है सर, लेकिन ये रेशियो किसके, टोटल कॉस्ट के, कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस के। तो सर पहले हम बोलेंगे 25% का लाभ है, तो ये 1/4 होता है, तो ये पूरे सौदे में कॉस्ट प्राइस अगर 4 रहा होगा तो 1 का लाभ मिला के कितने बेच दिया होगा, 5 में। तो सर जो 3.5 है ये कितने के बराबर, 5 के, मुझे कितना चाहिए, 4, तो 5 × 7 = 35 और 7 × 6 = 28, यानी देखा जाए तो ये 2.8 लाख मेरा कॉस्ट प्राइस। अब इसमें मुझे वो ड्रामा करना पड़ेगा, 2.8 लाख में 7 से भाग दे दो, 5 × 7 = 28, तो 0.4 लाख मतलब 40,000। तो 40,000 के हिसाब से सारे की सारे गाय कितने की होगी, 4 × 8 यानी 80,000 की हो गई, सारे के सारे घोड़े 4 × 20 यानी 2 लाख के हो गए सर, 2 लाख के हो गए सर। अब मैंने बोला हर गाय कितने की होगी, 0 से, तो 8,000 की होगी, मैं 10 का भाग दे दूंगा, हर घोड़ा 20 से भाग दूंगा तो 0, ठीक है सर, 20 से भाग दूंगा तो ये कितने का हो गया, 10,000 का हो गया। इतना तो आप कैलकुलेशन कर लेते, तो यहां से क्या निकल के आया सर, हर एक गाय 8,000 रुपए की होगी, हर एक घोड़ा 10,000 रुपए का होगा। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि नीचे जो आता है कि सीधे हम ये नहीं कह सकते कि ये घोड़े की कीमत आ गई या फिर ये एक गाय की कीमत आ गई, टोटल कॉस्ट आती है। इसमें और भी अभी वैरायटियां बनेंगी, अभी हल्का सा मैंने थोड़ा सा ही हल्का क्वेश्चन रखा है, बस यहां इतना समझ लो कि नीचे जो आएगा वो टोटल कॉस्ट आएगी। क्या आएगा सर, टोटल कॉस्ट। अभी इसमें मैं और भी क्वेश्चन रखूंगा, इनफैक्ट मैं रख ही देता हूं, और भी क्वेश्चन रख देता हूं, ठीक है। देखो मेरे क्वेश्चन और रखा सर, देखना क्या कह रहा है सर सवाल, समझने की कोशिश करना। सवाल कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा बढ़ता हुआ क्वेश्चन नंबर 3, जी कह रहा, अ ट्रेडर, एक विक्रेता के पास 200 किलोग्राम चावल है, 200 किलोग्राम चावल है जिसका एक भाग 18% के लाभ पर बेचा उसने, तथा शेष भाग 12%
शेष भाग 12% की हानि पर, तो हानि का मतलब माइनस, 12% की हानि पर बेचा, और पूरे सौदे में उसे 6% की हानि हुई। तो 6% मतलब माइनस का 6 लिखना बेटा, ठीक है। मैंने भैया रेशियो लिया, मैंने बोला ये लाभ और हानि है, तो नीचे जो रेशियो आएगा किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का। लेकिन हमने ये नीचे रेशियो किसका आया, टोटल कॉस्ट का। पर क्या क्या रहा है सर, वो ये बोल रहा है विक्रेता के पास 20 किलोग्राम चावल, 200 किलोग्राम चावल थे, तो 200 किलोग्राम चावल है, तो यहाँ पे क्या सामान है, जो ये भी वही चावल है, ये भी वही चावल है, तो कंडीशन कौन सी आएगी, कॉस्ट प्राइस 1 बराबर कॉस्ट प्राइस 2। देखो अभी शुरू में लिखना पड़ता, बाकी फिर दिमाग में सेट हो जाता है, बस आगे चल के जब क्वेश्चन में गहराई आए तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये मैंने बोल दिया। और फिर जब हमारी आदत पड़ जाएगी तो फिर ये कुछ याद नहीं रखना पड़ता, अपने आप दिमाग में चलने लग जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस तो नीचे किसका रेशियो आएगा, बेटों का रेशियो आएगा। तो कैसे सर, हमेशा बड़े से छोटा, तो 18 में से माइनस का 6 घटाऊंगा, तो भाई मैं गया तो घटाने, लेकिन माइनस होने की वजह से क्या हो गया, जुड़ गया। तो 18 और 6 24 होते हैं सर, 18 माइनस माइनस 6 तो 24 हो जाएगा। मैं घटाने जाऊंगा, ये बड़ा कि ये बड़ा, 12 बड़ा है कि 6, माइनस में हमेशा बड़ी वैल्यू छोटी होती है, तो माइनस 6 बड़ा है, माइनस के 6 में से ये 12 घटाने जाऊंगा, तो माइनस का 12 होने की वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा सर, गुरुजी 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा सर, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 12, तो 6 बच गया। तो 6 एकम 6 6 चौक 24, तो कितना आ गया, 1:4। तो वो पूछ क्या रहा था, पूछ ही रहा था 12% की हानि पर बेचा गया चावल के, तो जी कह रहे 12% की हानि पर कितना अनुपात बेचा गया, 4, टोटल कितना है, 5, लेकिन वो 5 है कितना गुरु, 200, कितना है सर, 200। तो मैंने बोला 5 चक 20 और 4 चक 16, तो 16 को मैं क्या बोलता हूँ, 160 किलोग्राम। तो समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे ये समस्या हमारी क्वांटिटी में चेंज होगी, ठीक है। एक सवाल इससे और रख देता हूँ, बाकी तो अभी हमारे क्वेश्चंस की भरमार बहुत होगी, अभी मेरा उद्देश्य नीचे थोड़ा 2-4 बातें रेशियो की समझाना है, यहाँ पे समझा देना, उनसे सिर्फ बात नहीं बन जाएगी, आगे चल के धीमे धीमे जैसे जैसे बातें बदलेंगी हम उसी हिसाब से उन चीज़ों को फील करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन भी रखूंगा, फिर भी और गहराई बताऊंगा, ठीक है, आगे चल के फिर और भी कुछ मजा आने वाला है, काफी बढ़िया चैप्टर होता है। एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता और रख देता, जे कह रहे हैं सर क्या कह रहे हैं, एक विक्रेता के पास 280 लीटर तेल था, अब लीटर की बात होगी, बहुत खुशी की बात है, कोई नहीं लीटर है, जिसका एक भाग 18% के लाभ पर बेचा गया और दूसरा भाग, बचा हुआ भाग 10% की हानि पर बेचा जाता है, पूरे सौदे में 14% का लाभ होता है। तो ये कह रहे हैं सर 10% की हानि पर बेचे गए तेल की मात्रा, चलो ठीक है सर, हमने बोला भैया बड़े में से छोटा, 18 में से 14 जाते हैं तो सर कितने बच जाते हैं, 4, 14 में से 10 घटाने गए थे लेकिन माइनस की होस्ट वजह से प्लस हो गया, तो ये 24 हो गया, बड़ी खुशी की बात है, 6 चौक 24, 4 छिंग 24 और अनुपात 1। तो एक भाग पूछा है, टोटल 7 भाग है, कितने के बराबर दे रखा है सर, टोटल 7 भाग है, 280 के बराबर, 7 के पहाड़े में 7 चक 28 होता, तो 40 लीटर। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझे। तो मैंने यहाँ से जो एक बेसिक बात आपके सामने प्रेजेंट करी वो मैंने ये बोला कि अगर ऊपर प्रॉफिट की बात हो रही हो या फिर लॉस की बात हो रही हो, ठीक है, बीच में भी एवरेज प्रॉफिट, तो नीचे जो हमारा आता है वो टोटल कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। यहीं पे और भी कुछ बातें बनती हैं, जैसे मैं बात आपसे बोलूं, अब ये सिंपल सी बात है, जैसे मिश्रण है, मैं ये बोलूं कि एक 20% का मिश्रण मिलाया गया, समझना 20% का मिश्रण किसका है, दूध और पानी का, मिल्क एंड बटर का, समझना, एक 40% का मिश्रण बनाया गया, किसका, मिल्क एंड वाटर का। अब ये 20% और 40% इसमें क्या है, इसका मतलब होता है 20% को एक मात्रा रही हो, या तो मिल्क 20% रहा होगा या फिर हमारा वाटर 20% रहा होगा। तो मैंने ये बोला, मान लो पहले मिश्रण में 20% दूध है, दूसरे मिश्रण में 40% दूध है, और जब दोनों मिश्रण मिला दिए गए तो नए मिश्रण में मान लो मेरा 25% दूध आ गया, तो 25% दूध है, तो उसके अलावा बचा हुआ क्या है, पानी, चूंकि दूध और पानी है, तो नीचे जो रेशियो आता है सर वो दूध का नहीं आता। बहुत सारे लोग समझते दूध पे लगा रहा हूं तो दूध का आ जाएगा, पानी पे लगा रहा हूं तो पानी का आ जाएगा। मैंने बोला 20% मिश्रण का मतलब क्या है,
यानी 20% मात्रा दूध की है, किसमें? मिश्रण में। यानी 20% क्या है सर? मिल्क किसका? आउट ऑफ मिक्सर, और मिक्सर किसका है? दूध और पानी का। तो नीचे रेशियो सर मिश्रण का आता है। किसका आता है? मिश्रण का। और मिश्रण किसमें हो सकता है? मिश्रण हमेशा बाहर में होता है, या तो लीटर में होगा, या ml में होगा, या किलोग्राम में होगा, किसी में भी हो सकता है। तो नीचे किसका आएगा? वेट का रेशियो बोल दूं या क्वांटिटी का रेशियो? लेकिन किसकी क्वांटिटी सर? मिश्रण की क्वांटिटी। कौन सा मिश्रण? टोटल मिश्रण। आप ये मत समझना कि दूध पे लगा जा रहा तो नीचे दूध आ जाएगा, पानी पे लगा जा रहा तो नीचे पानी आ जाएगा। हम चाहे पानी पे लगा दें चाहे दूध पे लगा दें, आएगा मिश्रण का ही रेशियो। जैसे मैं यहाँ पे कैसे कर लेता हूँ, मैंने बोला सर 25 में से 2 गए, 20 गए तो 5, 40 में से 25 गए तो 15, 3:1 आ गया। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, मैं बोलता अगर 20% मिलकर, आगे चल के ये समस्या आएगी, 20% मिल गया तो वाटर कितना हो गया सर? 80%। 40% मिल गया तो वाटर कितना हो गया? 60%। ये ध्यान रखना कि जो यहाँ आएगा उसी का मिश्रण का एवरेज आएगा। अगर यहाँ दूध लिया गया तो एवरेज भी दूध का होगा, पानी लिया गया तो एवरेज भी पानी का। तो 80% वाटर, 60% वाटर, तो 75 अगर दूध था मिश्रण, 25 अगर दूध था तो वाटर कितना हो जाएगा? 75%। देखना नीचे क्या रेशियो आएगा, 75 में से 80 गए 5, 80 में से 75 गए 5, 75 में से 60 गए तो 15, क्या आ गया? 3:1। फिर भी देखो वही आंसर आया, क्यों? क्योंकि ये क्या है नीचे? पूरे मिश्रण का रेशियो, पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण। तो ये मिश्रण किस अनुपात में आएगा? मिश्रण मतलब दूध और पानी का जो घोल है उसका रेशियो। समझ पा रहे हो सर मेरी बात? इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन रखूंगा, लेकिन इससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखता हूं। इस वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आज यहीं पर ये बात कुछ रखे, इसके कुछ एक दो क्वेश्चन रखे, यही मैं ब्राम लूंगा। इसको देखना, महसूस करना, कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का डाउट आए, कोई चीज और समझनी हो तो कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि मैं अगले जो वीडियो डालूंगा उसमें उस चीज को कवर कर लूंगा। चूंकि ये चीज आपने एक बार समझ ली तो आपका 40-50% एलिगेशन और मिक्सर का काम यहीं पे हो जाता है इन चीजों को समझने से। बाकी तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे गहराई बनेगी, ठीक है? अब देखो आपका ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत पूछ लेते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन आपका बन जाता है। जैसे स्पीड पे बात की जाती है तो हम ये जानते हैं स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कैसे निकालते हैं? 20 किलोमीटर पर आवर, अब वो घंटे की जगह पे मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। तो इसके नीचे क्या आया? घंटा। यानी किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है? घंटे के रिस्पेक्ट में। तो नीचे रेशियो किसका आता है? टाइम का। तो इसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं कुछ क्वेश्चन रखता हूँ, एक तो देखना। मैंने बोला अगर मेरी स्पीड 1 दे रखी है, स्पीड 2 दे रखी है, बीच में एवरेज स्पीड दे रखी है, एवरेज स्पीड का एवरेज, तो नीचे रेशियो किसका आएगा सर? टाइम 1 और टाइम 2। इसका मतलब क्या कि इस स्पीड से कितनी दूरी चली गई? इस स्पीड से, यानी इस स्पीड से कितनी देर चला गया, इस स्पीड से कितनी देर चला गया। इस क्वेश्चन के सहारे से इस चीज को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन रखता हूं। यहां पर भी बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। तो हमेशा जब स्पीडों पे एलिगेशन लगाया जा रहा है तो नीचे टाइम का रेशियो आता। ठीक, समझना। मैंने एक क्वेश्चन रखे, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन क्या है सर, समझने की कोशिश करना। जो कह रहा, अ ट्रेन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर पर आवर फॉर सर्टेन डिस्टेंस, यानी कुछ दूरी 50 किलोमीटर के हिसाब से चला और कुछ दूरी 70 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चली। कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली, कुछ दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली, लेकिन जब एवरेज स्पीड निकाली गई तो एवरेज स्पीड सर कितनी आ गई मेरी? 65 किलोमीटर प्रति घंटे की आई, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की आई। तो इसमें मैं आपसे क्या क्या बातें पूछ सकता हूं, समझना। सबसे पहले तो अगर सिर्फ मैं इस पर एलिगेशन लगाने जाऊं तो 65 में से 50 अगर घटाता हूं मैं तो कितने बचते हैं सर? 15 बचते हैं। कितने बचते हैं? 15। 70 में से 65 घटाता हूं तो 5 बचते हैं, यानी रेशियो कितने का आ गया? 1:3 का। यानी अगर एक घंटा यहां चला गया है तो 3 घंटा यहां चला गया होगा। तो इसमें पहली बात क्या पूछी गई है, जिकर फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई द टू स्पीड। तो ये कह रहे हैं, ये बताओ
कि इस स्पीड से और इस स्पीड से चलेगी दूरियों का अनुपात, दूरियों का अनुपात पूछा है। अब दूरियों का अनुपात मैं कैसे लगाऊं, देखना कैसे लगाते, हमें सिर्फ अनुपात पूछा है तो मुझे एग्जैक्ट टाइम, टोटल टाइम नहीं भी पता हो कि पूरी यात्रा में कितना समय चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे बोलूँगा कि भैया स्पीड वन अनुपात स्पीड टू अनुपात, तो मैं बोलूँगा कैसे कैसे स्पीड कैसे निकलती है सर, वो सॉरी डिस्टेंस वन डिस्टेंस टू, माफ करना डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू, तो कैसे स्पीड वन गुणा टाइम वन अनुपात स्पीड टू गुणा टाइम टू। अब आपने बोला सर स्पीड वन तो 50 दे रखी है, स्पीड टू 70 दे रखी, टाइम तो मुझे दे ही नहीं रखे, तो मैंने बोला जब तक रेशियो चाहिए तो मुझे टाइमों की आवश्यकता नहीं, टाइमों का रेशियो तो दे रखा है, तो यहाँ गुणा एक कर दिया, यहाँ गुणा तीन कर दिया, जीरो से जीरो भगाड़ दिया, तो 5 अनुपात 7 = 21, तो ये किसका रेशियो आ गया, डिस्टेंसों का रेशियो आ गया, किसका रेशियो आ गया सर, डिस्टेंसों का रेशियो आ गया। हाँ अगर मुझे टाइम, मुझे ये पूछता कि इससे कितनी दूरी चली गई है या फिर इससे कितनी दूरी चली गई है, तब या तो मुझे टोटल डिस्टेंस पहले से दे देता, नहीं तो मुझे टाइम देना पड़ता। तो मान लो मैं इसमें पूछ लेता कि ये बताओ कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितनी दूरी चली गई है, तो मैं पूछता टाइम कितना देते, मान लो मैं बोल देता कि तू पूरी यात्रा में 16 घंटे लगते हैं, 3 और 1 = 4, 4 = 16, तो 1 = 4, 4 = 16, तो 4 6 यानी 4 घंटा इससे चला होगा और 12 घंटा इस स्पीड से चला होगा, तो 4 × 20 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर इससे चला गया होगा, और 12 × 7 = 840 इससे चला गया होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ जी बता पूरी यात्रा में कुल कितनी दूरी चली गई, तो देखो इन या तो इनसे दोनों से अलग अलग निकाल के जोड़ दो, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो 8, 9, 10 यानी 1040 हो गया सर, 1040। नहीं तो आप सीधा बोल देते कि एवरेज स्पीड मेरी कितनी है 65, टाइम कितना लग रहा है 16। ये थोड़ा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाली बात आ गई तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो आप सीधा ये भी बोल सकते थे कैसे 65 × 16 गुणा कर लेना, यही आ रहा होगा। इसमें बहुत सारी बातें और भी चैप्टर की घुस जाती हैं, हैवी चैप्टर होता है, तो मैं ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश नहीं करूँगा, बस यहाँ ये समझ लो कि अगर मेरा स्पीडों पर लगाया जा रहा है, चूँकि ये क्वेश्चन में बीच में लग जाता है, तो नीचे किसका रेशियो होता है टाइम का, डिस्टेंस का रेशियो अगर पूछा है तो हम स्पीड इनटू टाइम करेंगे, ये मैंने समझने वाली बात है, स्पीड इनटू टाइम करेंगे, चूँकि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। मुझे सिर्फ रेशियो पूछा था तो बैलूओं की आवश्यकता नहीं थी, रेशियो से ही काम चल गया था। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मुझे ऐसी उम्मीद आ रही है इसमें काफ़ी कुछ आपको समझ आया होगा। अभी ऐसा नहीं कि समस्या हमारी ख़त्म हो गई, अभी ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ हमें समझ आ गया, नहीं सर, अभी तो बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन आएंगे कि आपको फिर भी कन्फ्यूजन होगा कि नीचे किसका रेशियो आएगा, बड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो उन गहराइयों को हम धीमे धीमे समझेंगे। इस चैप्टर को बच्चे समझना बहुत ज़रूरी है, आगे चल के फिर हम लोग इसमें समझेंगे कि भाई क्वेश्चन जल्दी कैसे किए जाते हैं, हमेशा इतना लंबा लंबा थोड़ी सोचते रहेंगे। हाँ ये है कि इस गहराई को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे आने वाली समस्याओं को मैं आसानी से कर लूँ। अच्छा चैप्टर होता है, भारी चैप्टर होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। इस चैप्टर को बच्चा अगर कर लेता, मेरी नज़र में अर्थमैटिक का वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है बच्चों के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूँ, जो बच्चों का रिव्यू रहता, बाकी तो जिसको आता है जो चैप्टर वो आसान हो जाता। ठीक है, तो बच्चे मैं इसको आज मैं यहीं पर रोकता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में बोलना, कोई भी डाउट हो कमेंट में बोलना, मैं निश्चित रूप से इसकी नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीजों को कवर कर लूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।